खबर वाराणसी से। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंची वाराणसी। सर्किट हाउस में दी गई गॉड ऑफ ऑनर की सलामी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे कलराज मिश्र। कल विंध्याचल मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर बोले कलराज मिश्र, एक पार्टी विशेष के अंदर जिस प्रकार की घटना घटित हो रही है, पार्टी के लोग अपना समाधान निकालेंगे। ये उनकी पार्टी का मामला है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। भविष्य में जो स्थिति होगी उसमें मेरी क्या भूमिका है उसे बाद में देखेंगे। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। देखिए, एक पार्टी विशेष के अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, वो पार्टी के लोग उसके अनुरूप अपना समाधान निकालेंगे, ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अगर सीएम भी इस्तीफा देते हैं तो क्या स्वीकार किया जाए? वो जब परिस्थिति आएगी तो देखेंगे। लेकिन अभी राजनीतिक संकट से उभरने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए? मैंने कहा मेरी तरफ से क्या, वो तो पार्टी के अंदर का मामला है, अपना वो करेंगे। क्या लग रहा है फिर भी कब तक ये चीज़ें? नहीं, मैं इस पर नहीं कुछ कहता, वो समाधान उसका निकालेंगे। भविष्य में जो स्थिति होगी उससे मेरी क्या भूमिका है उसको बाद में देखेंगे। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं वाराणसी आया हूँ, आज एक कार्यक्रम है, फिर शाम को दर्शन करूँगा, कल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके चला जाऊँगा। सर, आपके साथ गहलोत जी एज ए सीएम सरकार चला रहे थे, एज ए सीएम उनकी बड़ी तारीफ हो रही है, तो क्या मानते हैं आपके एज ए सीएम, वो कैसे हैं? भाई, वो मैं वहाँ का संवैधानिक प्रमुख हूँ, राज्यपाल हूँ, और वहाँ के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, सीएम हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा उनका सामंजस्य ठीक से बैठा है, और संवैधानिक प्रमुख के